साई राम चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर प्लेसेस। एंड चिल्ड्रन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग स्टडी एट योर होम एंड यू आर गुड चिल्ड्रन, सो यू आर ओबेइंग योर पेरेंट्स ऑल्सो। सो चिल्ड्रन, टुडे इन आर हिंदी क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीवियस चैप्टर पार्ट 12, जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में इस चैप्टर में पढ़ा था कि उस बच्चे को सांप ने काटा था या नहीं, और उसके बाद वो जो डॉक्टर था वो उसका इलाज कैसे करता है, और उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता क्योंकि उसे सांप ने नहीं काटा था, उसे बर ने काटा था। हमने इसमें चैप्टर की रीडिंग करी थी और चैप्टर को समझा था। एंड आई होप यू ऑल्सो डिड रिवाइज व्हाट वी हैव रेड इन द चैप्टर। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर बुक एक्सरसाइज ऑफ सेम चैप्टर, जब मुझको सांप ने काटा। सो चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 107। वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर विद दैट क्वेश्चंस। रीडिंग वी हैव डन चिल्ड्रन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर बुक एक्सरसाइज। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 107। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ू फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। पहला प्रश्न है हमारा, नाना मुझे झाड़ू फूंक वाले व्यक्ति के पास क्यों ले गए। तो बच्चों, उसका आंसर है, नाना ने मेरी उंगली पर क्या देखा था, नीला निशान देखा था। उन्होंने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है, अतः वह मुझे झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। क्योंकि जब हमें सांप काटता है बच्चों, तो नीले रंग का एक निशान पड़ जाता है क्योंकि उसका जहर फैलता है। पर उसे तो सांप ने काटा ही नहीं था, उसे तो बर ने काटा था। बर कोई कीड़ा था, पर उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, और उसके नानी नाना और जो वहाँ के सब लोग थे उन्होंने सोचा कि उसे सांप ने काटा है। तो वो सांप ने काट लिया था और इसका इलाज केवल किससे होता है, उन्होंने सोचा तंत्र मंत्र से ही होता है। और कैसे होता तंत्र मंत्र से, उस सांप को बुलाया जाता है और वो जो सांप होता है वो जहर को पी लेता है, तो उससे क्या होता है, वो उसका जहर निकल जाता है जिसको वो डंक मारता है। तो इसलिए उसे झाड़ फूंक का इलाज करने के वाले आदमी के पास ले गए थे। नाउ कम टू प्रश्न नंबर 2, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। आप दूसरा प्रश्न देखेंगे 107 पे, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था, वो क्या बताना चाहता था बूढ़े आदमी को, कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। वो क्या बताना चाहता था कि मुझे उस बूढ़े आदमी को मेरा इलाज नहीं किया था, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। जब सांप उसमें घुस गया था खोल में, तो उसने क्या करा था, उसने उस खोल को बंद कर दिया था। और जब उस खोल को उसने बंद कर दिया था, तो उस जब उसकी नानी ने देखा कि उसमें सांप है, तो उन्होंने एकदम से उसे फेंक दिया था।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या था इसका जवाब? उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसे तो सांप ने काटा ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो सांप ने काटा ही नहीं था। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, मुझे असल में सांप ने काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा है? उसे तो सांप ने काटा ही नहीं था, पर इस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। यह पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती रहती है। दादाजी के मन में सांप का भय विद्यमान था, अतः जब लेखक को बर काट लेता है तो उन्हें लगता है कि इसे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से क्या हो जाता है? सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है। ये कहानी, पूरी कहानी सांप के काटने पर घूमती रहती है, जबकि सांप ने काटा ही नहीं होता। दादी जी के मन में सांप का भय विद्यमान था। किसके? दादाजी के मन में किसका भय था? सांप के काटने का भय था। जब लेखक को बर काट लेता है तो उन्हें लगता है कि इसे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है और आन फान में वह झाड़ फूंक करने वाले के पास जा पहुंचते हैं। इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता है अंधविश्वास, नाना का डर। क्या क्या हो सकता है? अंधविश्वास, नाना का डर और गांव का डॉक्टर आदि। हम ये भी इसका शीर्षक रख सकते हैं, पर कहानी किस पे घूमती रही? सांप के काटने पे, तो इसलिए इसका शीर्षक रखा गया जब मुझे सांप ने काटा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में लड़के को बर काट लेता है। बर का डंक होता है कुछ, और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी डंक मारती है, मच्छर भी डंक मारता है, ततैया भी डंक मारता है और बिच्छू भी डंक मारता है। इनमें जहर होता है। आपने देखा होगा जब मधुमक्खी या ततैया या कोई मच्छर काट लेता है तो हमें दाना हो जाता है। मधुमक्खी या ततैया काट लेता है तो हमें क्या हो जाता है? हमारा वो सारा हाथ सूज जाता है, क्योंकि उसमें जहर होता है, वो सूज जाता है और उसमें बहुत दर्द होता है। और अगर बिच्छू डंक मार दे तो उसमें बहुत जहर होता है, उसका भी इलाज एक तरीके से जहर निकालने के बाद ही होता है। तो हमें ऐसे कीड़ों के नाम लिखने हैं जो सांप की तरह कुछ और कीड़े हैं जो डंक मारते हैं, तो वो हैं मधुमक्खी, मच्छर, ततैया और बिच्छू। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? एक बार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्त पर मढ़ दिया। उसने क्या करा? अपने लड़ाई का सारा जो वो था ना, जितनी भी लड़ाई हुई थी वो उसने अपने दोस्त के सिर पे मढ़ना, मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि तूने ये काम करा। उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल ना पाया। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? क्या तुमने कभी सांप देखा है? और तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मैंने सांप कई बार देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा है। उसे देखकर
क्या लगता है? उसे देखकर डर लगता है। मैंने सांप कई बार देखा है, जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा है, उसे देखकर डर लगता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेगा। अपने घर पर पूछो अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेगा। घर पर पूछने पर पता चला कि अगर सांप काट ले तो जहां सांप काटे उसके ऊपर नीचे कसकर पट्टियां बांध दे ताकि जहर आगे ना बढ़े, तुरंत अस्पताल ले जाए। अगर कभी सांप काट ले तो हमें उसके जहाँ वो उसने काटा है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें पट्टियाँ बांध देनी चाहिए और उसके बाद हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। अंडरस्टूड। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 108। तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे आसपास, हम क्या करेंगे जैसे तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे। पहला प्रश्न है किसी को बर काट ले, अगर किसी को बर काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी लोहे की चीज़ को घिस कर लगा दें या उस पे रगड़ दें। अगर हमें कोई ततैया या ऐसा कोई कीड़ा काट लेता है जिसमें डंक होता है तो वो कह रहे हैं अगर बर अगर हमें काट ले तो क्या करना चाहिए। हमें लोहे की चीज़ को घिस कर, जैसे लोहे की चाबी होती है, हमें उसको घिस कर उस पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे रगड़ देना चाहिए, इससे डंक निकल जाता है। यदि नौसादार हो तो वो भी लगा सकते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप उस चाबी को उस पे रगड़ देंगे, लोहे की चाबी को, तो वो डंक वहीं बैठ जाएगा और वो आपका सूजेगा नहीं। ये मैंने खुद करा अपने साथ और इसमें भी ये दिया गया है। किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटॉल से धोकर पट्टी बांध दें, फिर तुरंत डॉक्टर के पास। अगर हम जैसे सड़क पे या कहीं पे हम गिर जाते हैं और हमारा घुटना हाथ कुछ छिल जाता है तो हमें तुरंत उसे डिटॉल से साफ़ करके, चाहे हम घर में भी पट्टी कर सकते हैं या फिर तब हम डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि जितनी भी इन्फेक्शन होता है, जैसे हम कहीं सड़क या कोई हमारी घिसट वाली चोट लगी है तो वो डिटॉल एकदम एंटीबायोटिक का काम करता है और वो दर्द भी ख़त्म कर देता है और कोई इन्फेक्शन होने से भी रोक देता है। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए, अगर आँख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं। हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए क्योंकि अगर पलक उठा के भी हम निकाल सकते हैं पर उससे होता है हमारे हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए जो हम अपनी आईज़ में मारते हैं। और अगर हम ठंडे पानी से धोएंगे तो वो बिल्कुल गंदगी को बाहर निकाल देगा। अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो क्या करें। किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर, नाक आगे की तरफ होती है तो जैसे नाक से ये हमारी नाक होती है, ठीक है, अगर यहाँ से खून निकल रहा है, ठीक है, तो उस बंदे को हमें बिल्कुल सीधा लेटा देना चाहिए, पहली बात, ठीक है। उसको हमें पीठ के बल ऐसे लेटा देना चाहिए जैसे हम लेटते हैं और सिर जो है वो पीछे की तरफ ऐसे कर देना चाहिए सिर को, फिर थोड़ा सा झुका दें सिर, ठंडा उस सिर पहले उसे पीछे कर दिया और अब उसके सिर पे ठंडा ठंडा पानी डालें, उसे नकसीर भी कहते हैं जो छूटती है, यहाँ ठंडा ठंडा पानी डालेंगे पीछे की तरफ जाएगा वो ठंडक देगा, यदि फिर भी तब भी बंद ना हो तो डॉक्टर के पास हमें तुरंत जाना चाहिए। पर अगर वो नाक से खून बहने लगे तो हमें सिर पीछे करके लिटा देना चाहिए और यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी डालना चाहिए। अंडरस्टूड।
नाउ कम टू नेक्स्ट कक्षा अध्यापक की सहायता से बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बता सकते हैं कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए। इसमें आप खुद एक वो बनाओगे कि जैसे कक्षा में इन चीज़ों पे हमने बातचीत करी, ठीक है, और या नर्स या डॉक्टर को कक्षा में बुलाकर उनके बारे में बताएं वो डॉक्टर्स खुद कि हमें कैसे कैसे इन चोटों से या जो जो हमने ऊपर डिस्कस करा है, अगर हमें बर काट ले या चोट लग जाए या आँखों में कुछ पड़ जाए तो और नाक से खून बहने लगे, तो कोई डॉक्टर आए क्लास में वो बच्चों को गाइड करे कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, जरा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज में सांप छिप सकता है? सांप आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की घड़ोली, पेड़ की जो खोकल होती है उसमें, झाड़ियाँ, पत्तियों की ढेरी इत्यादि में छिप सकता है। ओके, वह खोल अहाते में कैसे पहुँचा होगा, कैसे पहुँचा होगा वो उसके अंदर? नारियल निकाल कर खोल वहीं फेंक दिया गया होगा। हम जब नारियल छिलते हैं और हमने नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम खोल कहते हैं, उसे वहीं फेंक दिया होगा तो सांप उस खोल के अंदर जाके बैठ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को कुछ शब्द घर से संबंधित हैं और कुछ उन पे हमें घेरा लगाना है। जो शब्द घर से संबंधित हैं उन पे हमें क्या लगाना है? घेरा, या फिर हम कह सकते हैं सर्कल। ओके, आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे पहला है अहाता, दूसरा है आंगन, ये हमारे घर से रिलेटेड है जो शब्द, उसके ऊपर हम सर्कल कर रहे हैं। थर्ड है बरामदा, फोर्थ जीना, फिफ्थ अटारी, सिक्स्थ आला, सेवेंथ सीढ़ी। घेर तो किसी कपड़े का हो गया तो वो नहीं काउंट में आएगा। छत, ये भी घर से संबंधित है। रसोई, ये भी घर से संबंधित है। छज्जा, बालकनी को कहते हैं, ये भी घर से संबंधित है। दलान, ये भी घर से संबंधित है। ताड़ क्या होती है? जो आपके घर में जैसे शेल्व्स बनी होती हैं स्टोर रूम में, जो ऊपर की परछत्ती को क्या बोलते हैं? टाण। वहाँ जैसे पुराना सामान या कुछ इस तरीके का सामान जो कम यूज़ में आता है वो टाँट पे रख देते हैं कि कम हमें रोज़ रोज़ जो काम ना उतारना। कमरा, मुडेर भी हम बालकनी की जो वो होता है बना हुआ होता है चौरस, उसमें जिस पे हम खड़े होते हैं वो मुडेर होता है, ठीक है। ये हमारे घर से रिलेटेड शब्द हैं, आपको इन पे सर्कल करना है, आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको सर्कल करके बताया तो आपको सर्कल ही करना है बुक के अंदर। अंडरस्टूड? नाउ कम टू पेज नंबर 109। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, जैसे सांप पास की झाड़ी में चला गया, सांप पास की झाड़ी में चला गया। दूसरा, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, चट मतलब वह जल्दी लिखा, चट का मतलब जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। और पहले में जो गायब था उसकी जगह हमने लिखा चला गया।
अंडरस्टूड। ऐसे आपको सेंटेंस करेक्ट करके जो लाइन आपको यहाँ पे दे रखी है इसके नीचे पूरे सेंटेंस को आपको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे गायब की जगह चला गया है तो पूरा लिखना, सांप पास की झाड़ी में चला गया। वह चट, चट की जगह लिखना है वह जल्दी मुझे गोद से उठाकर भाग गए। अंडरस्टूड। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। अब बच्चा ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। घ, नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें उपहार रूप में दी। नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें भेंट को हम क्या कहते हैं, उपहार स्वरूप में दी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। जैसे पहला है, नानी चीख उठी। हमें क्या यूज़ करना है, हमें पूर्ण विराम क्वेश्चन मार्क और ये एक्सक्लामेटरी मार्क। ओके, तो अब हमें इनके आगे वो यूज़ करना है कि क्या यूज़ होगा। जैसे क्या तुम बाज़ार चलोगी, तो यहाँ तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन मार्क ही आएगा। नानी चीख उठी, सांप क्या आएगा, एकदम भौचक्का रह जाना, एक्सक्लामेटरी मार्क। सेकंड, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगी, क्वेश्चन मार्क। चुप बैठो, हिलना डुलना मत, क्या आएगा, पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लास्ट, अह कितनी मीठी है, क्या आएगा हमारा, पूर्ण विराम। अंडरस्टूड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देखकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था, ये सोचकर उसे नाम देना। तो बच्चों, हम उनको बोलेंगे नादान। नादान था वो बच्चा, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है, इसका उसे पता ही नहीं था कि सांप कितना खतरनाक होता है। और वो बहुत नादान है, इसलिए वो सांप को पकड़ना चाहता था और वो एक खेल की तरह उसे समझ रहा था, क्योंकि उसने उस खोल को बंद कर दिया था ऊपर से और वो उसे लेके भाग रहा था। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ टर्न योर पेज। पेज नंबर 1010 पेज नंबर सॉरी 110 यहाँ धीरे शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे चलते चलते पीछे पीछे, ऐसे दिया हुआ है, आपको इसी के आगे लिखना है, यहाँ पे लिखना है और फिर इधर और शब्द निकालने हैं, फिर उन पे वाक्य बनाना है। तो आइए हम कुछ देखते हैं उस पे क्या वाक्य हैं। जैसे कि पहला है हमारा चलते चलते, वह चलते चलते गिर गया। पीछे पीछे, तो मेरे पीछे पीछे कब आए। आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा था। अब हमने एक शब्द बनाया आगे आगे और वह आगे आगे भाग रहा था। भाग भाग, भाग भाग कर काम किया करो। मोटे मोटे, यह बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं। घसीट घसीट, यह घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है। ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे बुक के अंदर ही।
ये क्या है? ये एक भूल भुलैया है, आपको इसमें करना है ओके, और आपको वे निकालना है। सो दिस इज योर होमवर्क, अंडरस्टूड? नाउ दीज क्वेश्चंस व्हाट आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक, and some of the questions you have to do in the book only, okay? What questions you have to do in your notebook, that I will share you PDF, and whatever questions like this having space in the book only, these type of questions you have to do in book only, but some of the questions you have to do in notebook, that I will share the PDF that you have to do in fair notebook, understood? And kathin shabd, okay? So children, till then you revise your chapter completely and do your work properly, very neatly. So children, and you enjoy your Dussehra, okay children? Happy Dussehra to you all. So thank you and bye.